अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ लोगों को जो है सऊदी का उमरा वीज़ा फ्री में मिलेगा और मदीना शरीफ की ज़ियारत भी फ्री रहेगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोगों को। और एक आदमी का जो है सऊदी अरब में कफ़िल कितने अच्छे भी होते हैं ये भी मैं इसमें बताऊँगा, उस आदमी का कितना कफ़िल ने मदद किया है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। सऊदी अरब का ये है, मैं आप लोगों को इसमें बताऊँ। और भी बहुत सारी जवाजात के रिलेटेड, आपके अगर छुट्टी पे आए हुए हैं अपने देश में तो छुट्टी बढ़ाना है, उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, क्या फीस लगता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जो है फेसबुक पर भी मुझे जो है फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले मैं जो आप लोगों को न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो है फ्री वीज़ा के रिगार्डिंग, किनको आखिर ये फ्री वीज़ा मिलेगा। तो फ्री वीज़ा जिनको मिलेगा उनके पास हया कार्ड होना चाहिए। अभी कतर में आप लोगों को मालूम है कि एक ये चल रहा है, कतर का जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया से लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहे हैं, उनको एक कार्ड मुहैया कराया जा रहा है जिसको हया कार्ड बोलते हैं। तो हया कार्ड वाले जो रहेंगे, जो उनके पास हया कार्ड रहेगा कतर का, वो तो एक तो कतर गवर्नमेंट ने एक खुशखबरी ये दी है कि एक हया कार्ड होल्डर अपने दो तीन दोस्तों को जो है उस पर बुला सकता है, इन्वाइट कर सकता है फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। और सऊदी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिनके पास हया कार्ड है वो सऊदी में आके फ्री में घूम सकते हैं, उनको जो है पैसा नहीं लगेगा, उमरा फ्री है उनके लिए, उमरा वीज़ा जो है फ्री है। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है कि अपना जो इन लोगों का वीज़ा वाली जो वेबसाइट है visamofa.gov.sa, इस वेबसाइट पे एक अलग से उसी में एक ऑप्शन ऐड कर दिया है, सिटीजन एंड रेसिडेंस पे क्लिक करेंगे आप लोग तो हया कार्ड होल्डर के लिए फा हया कार्ड होल्डर एक ऑप्शन खुला है, वहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग वीज़ा अप्लाई करके जाके अपना ये कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग ये न्यूज़, इसमें एक बार कोड है, अगर कोई भी लोग हैं जो लोग हया कार्ड होल्डर हैं वो ये बार कोड स्कैन कर रहे हैं, डायरेक्ट वीज़ा अप्लीकेशन जहाँ से फॉर्म खुल जाएगा यहाँ से उस साइट पर चले जाएंगे और अपना भर सकते हैं, और फ्री में जो है वो उमरा भी कर सकते हैं और मदीना शरीफ में जाके ज़ियारत भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कुछ भी वीज़ा का पैसा नहीं लगेगा। हाँ, वहाँ पे जाने का और ये सब का खर्चा तो अपना रहेगा, वो गवर्नमेंट नहीं मुहैया कराएगी, क्योंकि आप जो वहाँ पे घूमेंगे वो चार्जेस आपको बियर करने हैं, जो कन्वीन जो आपके घूमने के जो चार्जेस, व्हीकल के आने जाने के चार्जेस जो होंगे वो, उसके बाद खाने पीने वो सब आपका है, वीज़ा फ्री है। इसके बाद से मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन करना चाहूँगा वो सऊदी अरब का है। और ये देखिए, ये सुन के कभी कभी ना बूस्ट मिलता है, खुशी होती है, देखिए कि कैसे कितने अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे। एक नाम था आदिल अली करके, वो एक नाम है, वो इंडिया के रहने वाले हैं, वो वहाँ पे काम करते थे कफिल के पास आभा में, उनको अचानक से एक बीमारी हो गई कोई और उसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो ये परेशान थे। फिर उन्होंने अपने कफिल को इन्फॉर्म किया कि मैं मेरी ये सिचुएशन है, इन्होंने प्राइवेट में कहीं दिखाया था, भाई देखो ये हाल है, मेरे को खून की बहुत ज़्यादा कमी, वो भाग के आया और इनको जो है वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में, जो आभा में सबसे अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ पे इनको एडमिट करवाया और इनका ब्लड का इंतजाम किया। और ये बोल रहे हैं कि वो मेरे पास तीन दिन तक घर नहीं गया, मेरे पास ही रहा, मेरी देखभाल की। तो इन्होंने भी बहुत तारीफ़ किया उसकी, और उन्होंने एक सेल्फी भी शेयर किया और बताया कि देखिए ये मेरा कफ़िल है और ये मुझसे जो है इतना प्यार करता है कि तीन दिन मेरे साथ में रहा है और मेरा जो है एकदम अपनों के जैसा ख्याल रखा है, तो ऐसा बहुत नसीब वालों को मिलता है। और आदिल भाई आप काफ़ी अच्छी आपकी नसीब है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा सबको मिले, कफ़िल अच्छे मिले, क्योंकि सबकी ख्वाहिश ये भी होती है जो सऊदी अरब में जाते हैं काम करने के लिए, विदेशों में कहीं भी काम करने जाते हैं, उनकी ख्वाहिश यही रहती है कि मुझे कफ़िल अच्छा मिले, मुझे कंपनी अच्छा मिले, और उसमें से आदिल भाई एक आप जो है काफ़ी अच्छा आप नसीब लेके हैं, आपको बहुत ही अच्छा कफ़िल मिला जैसा कि आपने भी शेयर किया। उसके बाद से मैं आप लोगों को अब जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, वो भी सऊदी अरब के रिगार्डिंग है। मान लीजिए आप छुट्टी पे आए हुए हैं, सऊदी अरब गए हैं और वहाँ से अपने देश छुट्टी पे आ गए हैं, तो कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो है छुट्टी बढ़वानी होती है, तो छुट्टी आप बढ़वा सकते हैं, आप अपने कफिल को बोलेंगे वो छुट्टी बढ़वा देगा, 100 रियाल का पेमेंट करेगा, एक महीने की आपकी छुट्टी बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि आपका जो ये है इकामा है, इकामा आपका वैलिड होना चाहिए, अगर इकामा वो एक महीने के अंदर में एक्सपायर हो रहा है तो दिक्कत है, तब आपका छुट्टी नहीं बढ़ेगा। इकामा अगर आपका वैलिड है तो आप छुट्टी 6 महीने तक बढ़वा सकते हैं, ठीक है, एक एक महीना करके भी, या फिर ऐसे भी उनको बोल के आप 6 महीना तक छुट्टी बढ़वा सकते हैं, लेकिन इकामा जो है वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। पासपोर्ट यहाँ रिन्यूअल भी करा लेंगे, मेन इकामा है, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं साथ में चल रहा है, ये वीडियो सऊदी अरब का है, आप लोग को देख के ये मालूम चल जाएगा कि ये पेट्रोल पंप का वीडियो है, और एक जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला वर्कर है वो पेट्रोल डाला है सऊदी की गाड़ी में, और पेट्रोल डालने के बाद शायद पेमेंट लेने में कोई ऐसी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या क्या चीज़ हुई कि वो कफिल भड़क गया और इसको धक्का दे दिया, वो आदमी गिर गया वहाँ पे, उसके बाद से दूसरे को भी बुलाया जो दूसरा वर्कर था, वो ये लोग बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी थे, मतलब गैर मुल्की थे जो ये वहाँ पे काम कर रहे थे।
दूसरा भी आया उससे भी इसकी ये होगी। फिर जो है अरबी लोग आए वहाँ पे जो थे, तो वो लोग आए हैं तो बीच बचाव किए हैं, फिर भी ये काफ़ी हाइपर था आदमी, पता नहीं क्या दिक्कत था। ये लोग ऐसा देखने में वीडियो से ऐसा लग रहा है कि वो अपना धौंस जमा रहा है खारजी लोगों पे। तो एक अच्छा न्यूज़ आपने देखा, अच्छा कितना अच्छा अरबी था इसी में बताया मैंने, और ये देखिए एक कैसा अरबी है। तो ऐसे ऐसे मिलते हैं, तो ये आदमी भड़क के और कैसे कैसे कर रहा है, और ऐसा देख के वीडियो लग रहा है कि ये जो है गलती आदमी लोगों में नहीं है, उस जो है अरबी में ही है। तो दूसरा अरबी आता है लास्ट में, उसको समझाता है, फिर उस ये देखिए इन लोग अपने खुद अरबी अरबी के साथ ट्रीट किए, उसका सर चूमा और उसका अपने गाड़ी में बैठा चला गया। मतलब एक अरबी अगर सनकता है तो दूसरा अरबी ही उसको समझा सकता है। और ये वीडियो देख के मुझे यही लगा कि गलती अरबी में है, खारजी और बाहरी लोगों में ये जो थे इनमें गलती नहीं थी। आज के वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी ही कुछ वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।